हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईपैब एकेडमी। हम वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग में यूनिट 4 डिस्कस कर रहे हैं। यूनिट 4 है वाटर ट्रीटमेंट। यूनिट 4 में हमने पार्ट 1 डिस्कस कर लिया है, पार्ट 2 भी डिस्कस कर लिया है। पार्ट 2 में हमने डिस्कस किया है प्लेन सेडिमेंटेशन। मीन्स सादा अवसादन। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 3। पार्ट 3 क्या है? पार्ट 3 में हम डिस्कस करेंगे सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। अस्कंदन युक्त अवसादन, अस्कंदन युक्त अवसादन। सेडिमेंटेशन क्या होता है, हमने डिस्कस किया है। सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन का यूटिलाइजेशन किस लिए किया जाता है? सेडिमेंटेशन करने का जो पर्पज होता है, इसको सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए करते हैं। टू रिमूव सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम सेडिमेंटेशन मीन्स अवसादन करते हैं। ये सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज कैसे रिमूव होती? ड्यू टू ग्रेविटेशन। ये हमने डिस्कस भी कर लिया है। ड्यू टू ग्रेविटेशन मीन्स वाटर में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होंगी, तो जिनका वेट या जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से ज्यादा होगी, वो पार्टिकल्स नीचे तली में बैठ जाएंगे और उसको रिमूव कर देंगे। यही सेडिमेंटेशन होता है। ये ग्रेविटेशन अगर नेचुरली होता है, नेचुरली मीन्स इसमें किसी भी टाइप का कोई केमिकल्स या पाउडर का यूटिलाइज नहीं करते हैं, बस जितने भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं अपने वेट के कारण नीचे बैठ जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। बट अगर पार्टिकल्स का साइज, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स है उसका साइज महीन होता है, फाइन होता है, या कोलाइडल पार्ट इंप्योरिटीज होते हैं, कोलाइडल इंप्योरिटीज जिसे बोलते हैं कोलाइडी अशुद्धियां, तो उस टाइम क्या होता है, मैक्सिमम पार्टिकल्स नीचे तली में सेटल नहीं होते हैं अपने आप, वो सस्पेंशन स्टेज में बने रहते हैं। तो उन पार्टिकल्स को सेटल करने के लिए क्या करते हैं, हम केमिकल्स मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? केमिकल्स। वो केमिकल्स क्या होते हैं? कोएगुलेंट होते हैं, जिसे हम बोलते हैं कोएगुलेंट्स। कोएगुलेंट्स क्या होते हैं? एक केमिकल्स होते हैं जिसको मिलाने से जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाएंगे, एक फ्लोक्स का फॉर्मेशन करेंगे, आपस में चिपक जाएंगे, जिससे क्या होगा, पार्टिकल का साइज बढ़ जाएगा और ड्यू टू ग्रेविटेशन नीचे तली में वो टैंक में बैठ जाएंगे। तो जब किसी केमिकल्स का यूटिलाइज करते हैं, यूटिलाइजेशन करते हैं सेडिमेंटेशन प्रोसेस में, उसी को हम बोलते हैं सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन, सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। जो केमिकल्स होता है, रसायन होता है, उसी को बोलते हैं कोएगुलेंट्स। ठीक, अब हम स्टार्ट करते हैं सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन को। सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन, अस्कंदन युक्त, अस्कंदन युक्त अवसादन। अभी जो हमने डिस्कस किया उसी को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। When
केमिकल्स आर अदर सब्सटेंसेस आर एडेड टू इंक्रीज सेग्रीगेशन एंड सेटलिंग अप फाइनली डिवाइडेड सस्पेंडेड मैटर एंड कोलाइडल सब्सटेंसेस द ऑपरेशन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन। जब महीन अशुद्धियों को, महीन निलंबित अशुद्धियों और कोलाइडी पदार्थों को रिमूव करने के लिए या तली में बैठाने के लिए रसायन का प्रयोग किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन, अस्कंदन युक्त अवसादन। इफ द वाटर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेरी फाइन एंड लाइट कोलाइडल इंप्योरिटीज। समझते हैं क्या प्रोसेस होता है ये, किस लिए हम केमिकल्स का यूज करते हैं। केमिकल्स मीन्स क्या होता है वो, उसे हम बोलते हैं कोएगुलेंट्स, अस्कंदक। अस्कंदक किस लिए यूज करते हैं समझते हैं। इफ द वाटर कंटेन्स लार्ज क्वांटिटी ऑफ वेरी फाइन एंड लाइट कोलाइडल इंप्योरिटीज इट इज प्रैक्टिकली वेरी डिफिकल्ट टू एलिमिनेट देम बाई प्लेन सेडिमेंटेशन विद इन ए रीजनेबल शॉर्ट पीरियड ऑफ डिटेंशन। दिस इज डन बाई एडिंग डिजायर्ड अमाउंट ऑफ केमिकल कंपाउंड्स टू वाटर, देन दिस इज फॉलोड बाई मिक्सिंग। ड्यू टू एडिशन ऑफ दीज केमिकल्स द फाइन एंड थिन पार्टिकल्स ग्रो इन साइज एंड बिकम हैवियर एंड देन सेटल डाउन। हम किस लिए कोएगुलेंट का यूज करते हैं, क्योंकि जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं उनको सेटल कराना विद द हेल्प ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन बहुत ही डिफिकल्ट होता है, उनको सेटल कराना बहुत डिफिकल्ट होता है किसको, फाइन सस्पेंडेड इंप्योरिटीज को विद द हेल्प ऑफ प्लेन सेडिमेंटेशन, वो भी कब, विद इन शॉर्ट डिटेंशन। शॉर्ट डिटेंशन अगर वो सेटल भी होंगे तो उसको सेटल कराने में बहुत ज्यादा टाइम तक हमें रोकना पड़ेगा, पानी को ज्यादा डिटेंशन टाइम देना पड़ेगा, रोक काल को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं जो, ताकि जो है आसानी से सेटल हो जाए पार्टिकल्स और ज्यादा डिटेंशन टाइम हमें ना देना पड़े, इसलिए हम क्या करते हैं वहां पर केमिकल्स को ऐड करते हैं और वो केमिकल्स होता है कोएगुलेंट। जैसे इसको ऐड करते हैं पार्टिकल्स जो है आपस में आकर चिपक जाते हैं और फ्लोक्स का फॉर्मेशन करते हैं। फ्लोक्स मीन्स उड़िकाएं, गुच्छे के टाइप से पार्टिकल आपस में इकट्ठे हो जाते हैं जिससे उनका वेट बढ़ जाता है, साइज बढ़ जाता है और वो साइज उसका बढ़ जाता है जिससे वो सेटल हो जाते हैं आसानी से और वो सेटल हो जाते हैं। तो इसलिए हम कोएगुलेंट का यूज करते हैं। आगे नोट में पॉइंट्स याद रखना है, बता भी चुके हैं। द इनसॉल्युबल जिलेटिनस सब्सटेंस ऑब्टेंड बाय एडिंग केमिकल्स टू वाटर इज कॉल्ड फ्लोक्स। जब केमिकल्स को ऐड करते हैं तो जिससे ये फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल आपस में आके मिलते हैं इसको हम बोलते हैं फ्लोक्स। जो फाइन सस्पेंडेड पार्टिकल ड्यू टू केमिकल्स, केमिकल के मिलाने के बाद जो मिलकर बनते हैं उनको हम बोलते हैं फ्लोक्स या उड़िका बोलते हैं। एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फ्लोकुलेशन। फ्लोक्स का जो फॉर्मेशन होता है, प्रोसेस ऑफ फ्लोक्स फॉर्मेशन इज कॉल्ड फ्लोकुलेशन। फ्लोक्स का जो फॉर्मेशन होने का प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं फ्लोकुलेशन। द केमिकल कंपाउंड आर कॉल्ड कोएगुलेंट। अभी हमने बताया भी, जो केमिकल्स हम लोग यूज करते हैं उस केमिकल को बोलते हैं कोएगुलेंट, मींस अस्कंदक। एंड दियर प्रोसेस और रिएक्शन इज टर्म्ड एज कोएगुलेशन। केमिकल्स यूज करते हैं वो होता है कोएगुलेंट और उनकी जो क्रिया होती है उस क्रिया को बोलते हैं कोएगुलेशन, मींस अस्कंदन। ठीक, अब आगे हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से कोएगुलेंट्स यूज करते हैं, अस्कंदक यूज करते हैं। अस्कंदक
फर्स्ट वन एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइज इंटू 18 H2O मीन्स वाटर के 18 मॉलिक्यूल्स, इसको हम लोग एलम भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है इसको हम एलम भी बोलते हैं। दूसरा कोएगुलेंट यूज करते हैं फेरस सल्फेट, जिसका केमिकल फार्मूला गिवन है Fe4O7H2O, यहाँ पर वाटर के 7 मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट जो कोएगुलेंट यूज करते हैं वो फेरिक क्लोराइड यूज करते हैं, नेक्स्ट वन फेरिक सल्फेट यूज करते हैं, क्लोरिनेटेड कोपरस, ये क्या होता है मिक्सचर ऑफ फेरिक सल्फेट एंड फेरिक क्लोराइड का जो मिक्सचर होता है उसको बोलते हैं क्लोरिनेटेड कोपरस। सोडियम एल्यूमिनेट प्लस फेरिक क्लोराइड का भी यूटिलाइजेशन किया जाता है, उसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का भी यूज एज ए कोएगुलेंट किया जाता है। तो ये हमें कुछ कोएगुलेंट्स के नेम है जो याद रखने हैं, कौन कौन से कोएगुलेंट्स का यूज करते हैं सेडिमेंटेशन विद कोएगुलेशन प्रोसेस में। फिर आगे डिस्कस करते हैं स्टेप्स इन कोएगुलेशन, स्कंदन के लिए जो है आवश्यक चरण कौन कौन से हैं, स्कंदन के लिए आवश्यक चरण, फर्स्ट है फीडिंग ऑफ कोएगुलेंट, स्कंदन को हम कोएगुलेंट कहां मिलाएंगे, पानी मिलाएंगे, स्कंदन को पानी में डालना फर्स्ट स्टेप होगा। सेकेंड स्टेप होगा मिक्सिंग ऑफ कोएगुलेंट, स्कंदन को पानी में घोलना, थर्ड स्टेप में होगा फ्लोकुलेशन मीन्स प्रोसेस ऑफ फ्लोक्स फॉर्मेशन, उड़िका को तैयार करना, उड़िका को तैयार करना। सेटलिंग ऑफ फ्लोक्स मीन्स उड़िका को तली में बैठना, उड़िका का तली में बैठना। यही स्टेप्स होंगे कोएगुलेशन प्रोसेस में, क्या करेंगे पहले कोएगुलेंट को हम लोग पानी में डालेंगे, उसके बाद पानी में डालने के बाद उसको घोलेंगे मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद जो थर्ड स्टेप होगा उसमें फ्लोकुलेशन होगा, फ्लोकुलेशन मीन्स जो फ्लोक्स होगा फ्लोक्स का फॉर्मेशन होगा, जब फ्लोक्स फॉर्म हो जाएगा तो क्या साइज बढ़ जाएगा, वेट बढ़ जाएगा, उसके बाद जो पार्टिकल्स है तली में नीचे बैठ जाएगा मीन्स फ्लोक्स जो है तली में बैठ जाएगा, सेटलिंग ऑफ फ्लोक्स हो जाएगा। तो ये फोर स्टेप्स हैं इन कोएगुलेशन। फीडिंग ऑफ कोएगुलेंट, फीडिंग मेनली दो टाइप से करते हैं यहां पर हम समझते हैं, एक होता है ड्राई फीडिंग, ड्राई फीडिंग, दूसरा होता है वेट फीडिंग। ड्राई फीडिंग मीन्स सूखी भरण विधि जिसे बोलते हैं, सूखी भरण विधि, इसमें हम कोएगुलेंट को पाउडर के फॉर्म में यूज करते हैं, और जो वेट फीडिंग होता है उसको कहते हैं गीली भरण विधि, इसमें कोएगुलेंट को हम एक सॉल्यूशन बनाते हैं उसके बाद पानी में डालते हैं। मिक्सिंग ऑफ कोएगुलेंट, मिक्सिंग ऑफ कोएगुलेंट को यहां पर मिलाया जाता है, कोएगुलेंट को मिलाने के लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, बैफल टाइप बेसिन का यूज करते हैं, बैफल टाइप बेसिन, बैफल का मतलब क्या होता है व्यारोध, व्यारोध बेसिन मीन्स ब्यारोड टंकी, बेफल टाइप मिक्सचर कह सकते हैं मीन्स ब्यारोड टंकी मिश्रक, मिश्रक मिश्रण बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, मिश्रक का यूज करेंगे। ये हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड यूज करते हैं हम फ्लैश मिक्सचर, फ्लैश मिक्सचर, मिक्सचर फ्लैश मिक्सचर, फ्लैश मिश्रक, नेम से ही क्लियर है, जब हमें मिश्रण
जल्दी तैयार करना होता है। ये स्पीड में मिश्रण को, कोएगुलेंट को मिक्स कर देता है, इसीलिए इसका नेम है फ्लैश मिक्सर। थर्ड जो यूज करते हैं वो होता है डिफ्लेक्टर, डिफ्लेक्टर प्लेट मिक्सचर। विक्षेपक प्लेट बोलते हैं, डिफ्लेक्टर का मतलब होता है विक्षेपक प्लेट मिश्रक। तो इस विधि से, इतने मेथड से हम क्या करते हैं, कोएगुलेंट को मिक्स करते हैं। फिर थर्ड में फ्लोकुलेशन, यहाँ पर फ्लोक्स को प्रिपेयर करते हैं, उड़िका तैयार हो जाती है, उसके बाद सेटलिंग हो जाती है। अब हम इसको डिस्कस करते हैं डिटेल में। ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टेप्स इन कोएगुलेशन में। फर्स्ट स्टेप हम डिस्कस करते हैं फीडिंग ऑफ कोएगुलेंट। स्कंदक को जल में डालना या स्कंदक को भरना। दो टाइप्स अभी हमने जैसे बताया भी, एक होता है ड्राई फीडिंग और दूसरा होता है वेट फीडिंग। ड्राई फीडिंग किसे करेंगे, ड्राई फीडिंग डिवाइसेस से, जो सूखी भरण उपकरण है उससे करेंगे, और वेट फीडिंग करने के लिए गीली भरण उपकरण से वेट फीडिंग करेंगे। अब हम फर्स्ट डिस्कस करते हैं ड्राई फीडिंग डिवाइसेस। सूखी भरण उपकरण कौन सा है, द केमिकल्स कैन बी फेड इन टू वाटर डायरेक्टली बाई ड्राई फीडिंग इन द पाउडर फॉर्म। जो ड्राई फीडिंग मेथड है, सूखी भरण विधि है, उस विधि में क्या करते हैं, केमिकल्स को डायरेक्टली हम वाटर में अप्लाई करते हैं पाउडर फॉर्म में। अभी हमने जैसा कि बताया अभी ऊपर, पाउडर फॉर्म में अप्लाई करते हैं। ड्राई फीडिंग की जो इंस्ट्रूमेंट है उसको देख लेते हैं पहले। ये हमारा पाउडर फॉर्म में कोएगुलेंट है, इसको अप्लाई करते हैं। यहाँ पर दो टाइप दो लगे होते हैं, एक हेलिकल स्क्रू होता है, इसके जगह पर टूथ व्हील होता है, दांतदार पहिया होता है, जिसका अब काम क्या होता है, कोएगुलेंट को रेगुलेट करना। जो हमारा ये चैनल है, ये वाटर का चैनल है जिसमें रॉ वाटर फ्लो हो रहा है, इसका कनेक्शन यहाँ पर जिससे वाटर एंटर करता है, वेंचुरी मीटर होता है उससे होता है। जैसे जैसे वाटर का इन रेट बढ़ता है इस चैनल में, वैसे वैसे यहाँ से कोएगुलेंट का भी जो इन रेट है, मीन्स जो कोएगुलेंट का इस चैनल में गिरने का रेट है, वो बढ़ता चला जाता है। उस इनका और वेंचुरी मीटर का ऐसा कनेक्शन होता है, और यहाँ पर वो मिक्सअप होने के बाद फिर आगे के प्रोसेस के लिए वाटर सप्लाई कर देते हैं। ठीक, ये फिगर है जहाँ पर हम देख, यहाँ पर स्क्रबर लगा होता है। स्क्रबर लगाने का मेन मतलब होता है, जो हमारा कोएगुलेंट है पाउडर, पाउडर फॉर्म में जो कोएगुलेंट अप्लाई किया गया है वो आपस में चिपके नहीं, ठीक, वो पाउडर फॉर्म में बना रहे, इसीलिए यहाँ पर हम कोएगुलेंट लगाते हैं। ठीक, अब डिस्कस कर लेते हैं ऊपर, अभी उसके बाद दिखाते हैं। ड्राई फीडिंग डिवाइसेस आर जनरली इन द फॉर्म ऑफ टैंक विद हॉपर बॉटम। ड्राई फीडिंग जो टैंक होते हैं किसके फॉर्म में जनरली होता है, हॉपर बॉटम होते हैं, बॉटम फॉर्म में, इसीलिए देखो इस टाइप में बना हुआ है। यहाँ पर फिगर देखिए, ये देखिए हॉपर बॉटम के फॉर्म में होता है। एग्रीटेटिंग प्लेट्स आर प्लेस्ड इनसाइड द टैंक एंड इज अलाउड टू फॉल मिक्सिंग बेसिन। एग्रीटेटिंग प्लेट का काम क्या होता है, जो हमारे पार्टिकल्स बताया ना, जो पाउडर फॉर्म में हमारा कोएगुलेंट्स है, वो कोएगुलेंट्स आपस में चिपके नहीं, इसलिए स्क्रबर लगाते हैं और एग्रीटेटिंग प्लेट लगाते हैं ताकि ये पाउडर फॉर्म में बना रहे। बिफोर द मिक्सिंग, मतलब रॉ वाटर में मिक्स होने से पहले ये चिपके नहीं आपस में। द डोज इज रेगुलेटेड बाई द स्पीड ऑफ टूथ व्हील आर हेलिकल स्क्रू। जो ये डोज है, यहाँ पर क्या, इसको रॉ वाटर में मिक्स करना होता है, रॉ वाटर का चैनल सपोज करो ये है। अब इस डोज को हमें गिराना कहाँ है, इस रॉ वाटर में, तो यहां पर लगा होता है, यह तो लगा रहेगा हेलिकल स्क्रू रहेगा, जैसा कि अभी हमने फिगर में देखा हेलिकल स्क्रू रहेगा। इसके अलावा टूथ टूथ व्हील लगा होता है, दांतेदार पहिया लगा होता है, जो रेगुलेट करता है कोएगुलेंट को। मींस यहां पर वाटर, जिस जो हमारा रॉ वाटर चैनल है, इसमें वाटर जिस रेशियो से इंक्रीज करेगा उसका रेट, जैसे जैसे ज्यादा अधिक मात्रा में पानी इसमें एंटर करेगा, उस अकॉर्डिंग उतना ही ज्यादा ऊपर से कोएगुलेंट इस चैनल में आएगा। उसको रेगुलेट करने के लिए दो व्हील का यूज करते हैं, एक हेलिकल स्क्रू टाइप का होता है, दूसरा होता है टूथ व्हील। द टर्निंग स्पीड ऑफ टूथ व्हील आर हेलिकल स्क्रू इज कंट्रोल्ड बाई कनेक्टिंग इट टू ए वेंचुरी मीटर डिवाइसेस इंस्टॉल्ड इन द रॉ वाटर पाइप।
रॉ वाटर पाई फीडिंग वाटर टू द मिक्सिंग बेसिन। जैसा कि अभी हमने बताया, जो इसका काम होता है रेगुलेट करना कोएगुलेंट को, तो इसका रेगुलेशन का कनेक्शन होता है जिस वेंचुरी मीटर से वाटर राज वाटर चैनल में एंटर करता है उससे कनेक्शन होता है। जैसे जैसे यहाँ पर स्पीड इंक्रीज होगा, पानी का रेट फ्लो आप रेट इंक्रीज होगा, वैसे वैसे वहाँ से कोएगुलेंट का अमाउंट ज़्यादा होगा इसमें एंटर करने का। दस द क्वांटिटी ऑफ कोएगुलेंट रिलीज इन कंट्रोल्ड इन प्रोपोर्शन टू द क्वांटिटी ऑफ रॉ वाटर एंटरिंग द मिक्सिंग बेसिन। मीन्स जैसे जैसे रॉ वाटर का अमाउंट ज़्यादा इसमें एंटर करेगा, उसी अनुपात में उसी प्रोपोर्शन में कोएगुलेंट का अमाउंट भी चैनल में इंक्रीज करने का, एंटर करने के जो अमाउंट होगा ज़्यादा होगा। नोट में हमें याद रखना है, ड्राई फीडिंग डिवाइस आर यूटिलाइज्ड इन स्मॉलर प्लांट। ड्राई फीडिंग कहाँ पर यूज करते हैं हम? स्मॉलर प्लांट में यूज करते हैं, बड़े प्लांट के लिए इसका यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है, द कोएगुलेंट्स दैट पार्टिकल्स हैव यूनिफॉर्म साइज एंड डज नॉट अफेक्टेड बाई एयर आर ह्यूमिडिटी इजिली यूज फॉर ड्राई फीडिंग। एक तो स्मॉलर प्लांट के लिए यूज करते हैं, और दूसरा ऐसे कोएगुलेंट का यूटिलाइजेशन करते हैं ड्राई फीडिंग के लिए जिनका साइज यूनिफॉर्म हो, यूनिफॉर्म साइज हो। उसके साथ साथ वो एयर एयर एंड ह्यूमिडिटी से, ठीक, नमी से बहुत आसानी से अफेक्टेड ना हो, अफेक्टेड नहीं होते हैं, ऐसे कोएगुलेंट को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलम, एलम ऐसा हमारा कोएगुलेंट है जिसको हम ड्राई फीडिंग के लिए सुटेबल मानते हैं। अभी जैसे हमने बताया, फिगर को एक बार देख लेते हैं जो थ्योरी के अकॉर्डिंग। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली हम लोग अप्लाई करते हैं पाउडर फॉर्म में कोएगुलेंट को, कोएगुलेंट को टैंक में लेते हैं, अपर बॉटम टाइप से टैंक है, और इसको अप्लाई कहाँ करना होगा, रॉ वाटर चैनल, जहाँ पर हमारा रॉ वाटर जिस चैनल में भरा हुआ होता है। अब क्या होता है, इसको डायरेक्टली पूरा तो अप्लाई करने से, टैंक में भरने के बाद उसको रेगुलेट करने के लिए ड्राइवन पुली होता है जो अटैच होता है तो हेलिकल स्क्रू के साथ, और दूसरा होता है टूथ व्हील। अब इसका रेगुलेशन कनेक्ट होता है वेंचुरी मीटर से जिससे वाटर एंटर करता है चैनल में। जैसे जैसे फ्लो रेट वाटर का चैनल में इंक्रीज करता है, उसी अकॉर्डिंग ये जो टूथ व्हील है या हेलिकल स्क्रू है उससे कोएगुलेंट का आने का रेशियो इस चैनल में भी इंक्रीज करता जाता है। कभी भी कोएगुलेंट जो हमारा है मिक्सर में या मिक्सिंग बेसिंग मीन जो हमारा रॉ वाटर चैनल है उसमें पहुंचने से पहले आपस में चिपके नहीं, इसलिए क्या करते हैं वहां पर स्क्रबर प्लेट लगाते हैं या एग्रीटेटिंग प्लेट लगा देते हैं, एग्रीटेटिंग प्लेट, और ये हमारा है ड्राई फीडिंग मेथड्स, सूखी भरण विधि। इन दोनों फिगर को हमें यहां पर बना लेना है, फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बेड फीडिंग डिवाइस मीन्स सूखी भरण उपकरण। सूखी भरण उपकरण कहाँ पर यूज करेंगे, सूखी भरण, सॉरी, यहाँ पर बेड फीडिंग डिवाइसेस मीन्स गीली भरण विधि कहाँ पर यूज करेंगे, बेड फीडिंग करने के लिए गीली भरण विधि में। इन बेड फीडिंग गीली भरण विधि में सॉल्यूशन ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ ऑफ कोएगुलेंट, ठीक, यह है कोएगुलेंट, कोएगुलेंट इज प्रिपेयर्ड एंड स्टोर्ड इन ए टैंक। जितना अमाउंट हमें कोएगुलेंट का चाहिए उसको क्या करेंगे, एक टैंक में स्टोर कर लेंगे, फ्रॉम वेयर इट इज अलाउड टू ट्रिकल डाउन इन टू मिक्सिंग टैंक थ्रू आउटलेट। जितना अमाउंट आप हमें कोएगुलेंट चाहिए, और क्या कोएगुलेंट, यहाँ पर पाउडर फॉर्म में नहीं होगा, यहाँ पर कोएगुलेंट का हम सॉल्यूशन तैयार करते हैं, मतलब घोल तैयार करते हैं, उस घोल को तैयार कर लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं इसको ट्रिकल कराते हैं, उसके बाद एंटर करवाते हैं मिक्सिंग टैंक में जहां पर हमें पानी में मिलाना होता है, घोल को ट्रिकल कराएंगे या एंटर कराएंगे मिक्सिंग टैंक में। मेन डिफरेंस यहां पर यही है कि जो ड्राई फीडिंग होता है, ड्राई फीडिंग में हम जो कोएगुलेंट को यूज करते हैं पाउडर फॉर्म में यूज करते हैं,
और वेट फीडिंग में हम जो कोएगुलेंट को यूज करते हैं उसको हम घोल बना लेते हैं। ये मेन डिफरेंस है ड्राई और वेट फीडिंग में, एज नेम से ही क्लियर है। फॉर ट्रिकलिंग द कोएगुलेशन इनटू रॉ वाटर देयर आर टू एपरेटस यूज्ड। कोएगुलेंट को जो हमारा रॉ वाटर है, कच्चा पानी है, उसमें मिलाने के लिए दो ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। कौन कौन से? एक होता है कोनिकल प्लग ऑपरेटर्स, दूसरा होता है एडजस्टेबल बियर ऑपरेटर्स। कोनिकल प्लग ऑपरेटर्स का मतलब होता है शंकुनुमा। कोनिकल का मतलब क्या होगा? शंकुनुमा। प्लग, प्लग का मतलब प्लग, ऑपरेटर्स मतलब संयंत्र। दूसरा यूज करते हैं एडजस्टेबल वियर ऑपरेटर्स। एडजस्टेबल वियर ऑपरेटर्स का मतलब, एडजस्टेबल का मतलब होता है समायोज, समायोज वियर संयंत्र। डिस्कस करते हैं कोनिकल प्लग ऑपरेटर्स ये क्या होता है। पहले फिगर देख लेते हैं। इसमें कोएगुलेंट को मिक्सिंग करने के लिए कोएगुलेंट को एंटर कराएंगे, किसी एक टैंक में भर लेंगे जो फीडिंग टैंक होगा। भरने के बाद इसको हमें एंटर करना होता है रॉ वाटर में। तो यहाँ पर क्या करना होता है, रॉ वाटर को हम कनेक्ट कराते हैं एक फ्लोट चैम्बर से, जहाँ पर फ्लोट होता है, और ये फ्लोट एक स्ट्रिंग की हेल्प से, ठीक, स्ट्रिंग के हेल्प से अटैच होता है रैक एंड पिनियन से। रैक एंड पिनियन क्या होता है अभी हम फिगर में आपको दिखाएंगे। होता क्या है, इसको बेसिकली यूज करते हैं रोटेशनल मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए। दांतेदार पहिया होता है और एक रैक होता है लीनियर, वो भी दांतेदार होता है। अब जैसे ही यहाँ पर वाटर ज़्यादा अमाउंट में एंटर करेगा, जैसे इसका वाटर लेवल इंक्रीज करेगा, या फ्लोट ऊपर उठता है, फ्लोट ऊपर उठेगा तो ये रैक एंड पिनियन के हेल्प से ये एक्सल मूव करेगा, और ये एक्सल मूव करेगा, एक्सल में एक पुली लगी होती है जिससे एक थ्रेड में एक कोनिकल प्लग लगा होता है जो ये ऊपर उठता है, और जैसे ये ऊपर उठता है कोएगुलेंट का सॉल्यूशन जो है उसका एंटर करने का रेशियो बढ़ जाता है, और जब वाटर रेशियो यहाँ कम होता है तो क्या हमारा प्लग फ्लोट नीचे रहेगा, फ्लोट नीचे रहेगा तो हमारा कोनिकल प्लग भी नीचे रहेगा, जिससे कम कोएगुलेंट का सॉल्यूशन यहाँ पर एंटर करेगा। यही होता है कोनिकल प्लग ऑपरेटर्स। एक बार यहाँ से इसको देख लेते हैं। इन दिस ऑपरेटर्स ए वी शेप होल इज अवेलेबल इन द बॉटम ऑफ द कोएगुलेंट सॉल्यूशन टैंक। जैसा अभी हमने देखा है एक वी शेप का, जिसमें हमारा कोएगुलेंट एंटर करता है, यहाँ पर कोएगुलेंट एंटर, ये होता है कोएगुलेंट सॉल्यूशन, और इसके बॉटम में एक वी टाइप का होल होता है। इन विच ए कोनिकल प्लग इज हैंगिंग बाई थ्रेड एज शोन इन फिगर, जिसमें एक कोनिकल प्लग एक थ्रेड से लटका हुआ होता है। रॉ वाटर चैनल फ्लोट चैम्बर आर इंटर कनेक्टेड। यहाँ पर रॉ वाटर चैनल होता है और ये इंटर कनेक्ट होता है किसके थ्रू, फ्लोट चैम्बर से। ये होता है फ्लोट चैम्बर, फ्लोट चैम्बर, और ये होता है रॉ वाटर चैनल, वाटर चैनल, यहीं से वाटर आएगा और इसमें एंटर करेगा, सॉल्यूशन जो हमारा कोएगुलेंट का आके एंटर करेगा। कैसे? कोनिकल प्लग एंड फ्लोट आर कनेक्टेड बाय एन एक्सल विद द हेल्प ऑफ थ्रेड एंड रैक एंड पिनियन रेस्पेक्टिवली। जो ये कोनिकल प्लग है ये एक्सल की हेल्प से, ये हो गया एक्सल, यहाँ पर ये पुली में एक अटैच होता है, पुली फिगर अभी दिखाएंगे क्लियर, यहाँ पर समझिए पहले। एक्सेल के थ्रू ये कनेक्टेड होता है, ये हो गया हमारा प्लग। उसके अलावा जो यहाँ पर फ्लोट होता है, फ्लोट चैम्बर में फ्लोट होता है, वो भी कनेक्टेड होता है इस एक्सेल से, ये होता है फ्लोट, एक्सेल से कनेक्टेड होता है किसके थ्रू, विद द हेल्प ऑफ रैक एंड पिनियन, रैक एंड पिनियन के हेल्प से कनेक्टेड होता है, ये स्ट्रिंग या थ्रेड होता है, ये होता है रैक एंड पिनियन, रैक एंड पिनियन। रैक एंड पिनियन क्या होता है इसको हम दिखा देते हैं आपको।
इस फॉर्मेशन में होता है। इसका मेन पर्पज क्या होता है रैंकिन पिनियन का, जब कोई रोटेशनल मोशन हो, रोटेशनल मोशन उसको लीनियर मोशन में कन्वर्ट करने के लिए। मोशन मींस ये रैक है। अब रैक के ऊपर, रैक हमारा रैक पर अटैच होगा एक व्हील पिनियन, जैसे बोल दांतेदार पहिया। अब ये जब मूव करेगा, सपोज करो इसका जो मूवमेंट है इस डायरेक्शन में है, अगर ये हमारा रैक ऐसे मूव करेगा ऊपर की ओर तो क्या होगा, ये ऐसे बढ़ेगा तो हमारा व्हील ऐसे मूव करेगा। अब ये मूव करेगा तो ये कनेक्टेड होता है एक्सल से, और ये एक्सल हमारा मूव करेगा, और एक्सल से हमने अटैच करा रखा है, जैसे फिगर में हमने दिखाया भी, एक्सल से अटैच है कोनिकल प्लग, और जैसे एक्सल मूव करेगा ये प्लग भी मूव करेगा। डिपेंड करेगा एक्सल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा प्लग अप एंड डाउन होगा। तो ये हमारा रैक और पिनियन होता है, आप लोगों ने देखो ये गियर होता है बेसिकली, जो ये दांतेदार पहिया इसको गियर बोलते हैं। ठीक, तो आगे हम देखते हैं इसको, ये अरेंजमेंट था। एज द इनफ्लो रेट ऑफ द रॉ वाटर इंक्रीजेज, द डेप्थ ऑफ वाटर इन द मिक्सिंग बेसिन एज वेल एज फ्लोट चेंबर इंक्रीजेज। अब रॉ वाटर का जो इंटरिंग रेशियो, एंटर करने का जो फ्लो रेट है, अगर वो इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इस चैनल में भी वाटर लेवल इंक्रीज होगा, उसके अलावा फ्लोट चेंबर में भी वाटर इंक्रीज होगा, जिससे क्या होगा, देयर बाय लिफ्टिंग द फ्लोट। एज द फ्लोट राइजेस द पिनियन एंड पुली रोटेट्स इन सेम डायरेक्शन, देयर बाय लिफ्टिंग द कॉनिकल प्लग एंड अलाउइंग मोर क्वांटिटी ऑफ कोएगुलेंट सोल्यूशन टू रिलीज टू द मिक्सिंग बेसिन। जैसे ही वाटर यहाँ पर इंक्रीज होगा, वाटर का लेवल इसमें इंक्रीज होगा, ये फ्लोट ऊपर बढ़े उठेगा, जिससे जो हमारा ये रैक एंड पिनियन है, जो हमारा दांतेदार पहिया है, उसके अलावा जिस पुली से ये अटैच है हमारा कॉनिकल प्लग, ये सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, और ये मूव करेगा तो हमारा ये कॉनिकल प्लग ऊपर उठेगा। मीन्स ये अगर यहाँ पर है तो क्या होगा, कम अमाउंट में सॉल्यूशन पास होगा, और जैसे ही ऊपर उठेगा ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूशन पास करना स्टार्ट कर देगा। व्हेन द रेट ऑफ इनफ्लो डिक्रीजेस द कॉनिकल प्लग डिसेंड, ठीक, डिसेंड डाउन एंड रिड्यूस द फीडिंग रेट ऑफ कोएगुलेंट। और अगर इसका रिवर्स प्रोसेस होता है, मीन्स यहाँ पर चेंबर में पानी का अमाउंट कम होगा तो क्या होगा, प्लग ये हमारा फ्लोट नीचे आएगा, फ्लोट नीचे आएगा तो मीन्स ये रैक एंड पिनियन से ये एक्सल मूव करेगा, एक्सल से अटैच पुली, और पुली जब मूव करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि फ्लोट नीचे आएगा, जब फ्लोट नीचे आएगा तो हमारा कॉनिकल प्लग भी नीचे आएगा, और यहाँ पर फीडिंग रेट ऑफ कोएगुलेंट सोल्यूशन कम हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है कॉनिकल प्लग ऑपरेटर्स का। यहाँ से इस फिगर को थोड़ा देखते हैं, क्लियर एकदम समझ में आ जाना है। कोएगुलेंट का एंटर कराए हम, कोएगुलेंट किस में गया, हमारा केमिकल फीडिंग टैंक में। यहां पर एक प्लग लगा होता है, ये हमारा कॉनिकल प्लग होता है, कॉनिकल प्लग होता है। यहां पर रॉ वाटर चैनल होता है जिसे मिक्सिंग बेसिन बोलते हैं, और ये अटैच होता है फ्लोट चैम्बर से। फ्लोट चैम्बर्स में एक फ्लोट लगा होता है जो स्ट्रिंग की हेल्प से अटैच होता है रैक एंड पिनियन से। अभी हमने दिखाया रैक एंड पिनियन क्या होता है, जहां पर दांतेदार पहिया होती है और वो एक रैक पर मूव करता है, उसको ये रैक है और ये दांतेदार पहिया पिनियन कह लो उसको। ठीक, अब जैसे ही वाटर रॉ वाटर यहां पर जो फ्लो रेट है रॉ वाटर का चैनल में इंक्रीज करेगा, ज्यादा अमाउंट में वाटर आएगा तो हमें क्या, जो हमारा कोएगुलेंट का सॉल्यूशन है वो ज्यादा चाहिए, तो इसीलिए इसको ऐसा अरेंजमेंट करते हैं कि जैसे इसका रेट ज्यादा हो वैसे हमारा कोएगुलेंट का सॉल्यूशन ज्यादा इसमें एंटर करना स्टार्ट हो जाए। तो इसलिए क्या करते हैं, इसको फ्लोट चैम्बर से कनेक्ट कराते हैं, फ्लोट चैम्बर में एक हम फ्लोट लगाते हैं जो स्ट्रिंग की हेल्प से रैक एंड पिनियन से अटैच होता है, और ये एक्सल से अटैच होकर एक पुली से मिलता है, और पुली से एक कॉनिकल प्लग लटका हुआ होता है जैसे दिखाई दे रहा है। अब वाटर रेट जैसे वाटर लेवल इसमें इंक्रीज करेगा, ये फ्लोट ऊपर बढ़ेगा, फ्लोट ऊपर उठेगा तो ये जो रैक एंड पिनियन में जो पिनियन लगा हुआ व्हील होता है, इसका मूवमेंट और इस पुली का मूवमेंट सेम डायरेक्शन में होगा, जिससे क्या होगा, ये कॉनिकल प्लग ऊपर उठेगा और जो कोएगुलेंट का सॉल्यूशन है ज्यादा अमाउंट में इसमें एंटर करना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर वाटर लेवल यहाँ डिक्रीज होता है तो इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस होगा। तो ये फिगर बना लेना है और इस प्रोसेस को अच्छे से समझ लेना है। नेक्स्ट है एडजस्टेबल वियर एपरेटस, मीन्स समायोज वियर संयंत्र।
इसमें क्या होता है, इन दिस अरेंजमेंट एंड एडजस्टेबल वियर इज प्लेस्ड इन प्लेस ऑफ कॉनिकल प्लग। अभी ऊपर हमने देखा जो कॉनिकल प्लग मेथड था, कॉनिकल प्लग ऑपरेटर्स था, उसमें हम एक प्लग का यूज करते थे कॉनिकल शंकुनुमा। यहां पर उसके जगह पर हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं एडजस्टेबल वियर। किसका यूज करते हैं? एडजस्टेबल वियर। एज द इनफ्लो रेट ऑफ रॉ वाटर इंक्रीजेस फ्लोट लिफ्ट्स अप, देयर बाय स्लाइडिंग सिलेंडर ऑफ वियर गो डाउन एंड रिलीजेज मोर क्वांटिटी ऑफ कोएगुलेंट सॉल्यूशन टू द मिक्सिंग बेसिन ऑफ द रॉ वाटर। एज द इनफ्लो रेट ऑफ रॉ वाटर डिक्रीजेस रिवर्स प्रोसेस विल टेक प्लेस। रिवर्स प्रोसेस प्लेस करता है, रिवर्स प्रोसेस होता है अगर फ्लो रेट डिक्रीज करता है। समझते हैं इस फिगर से। अभी जैसे वहां पर दिखाया कोएगुलेंट है, कोएगुलेंट को एंटर कराने के लिए वहां कॉनिकल प्लग था, यहां पर कॉनिकल प्लग के बजाय यहां पर क्या होता है, एडजस्टेबल वियर लगा होता है। और इस एडजस्टेबल वियर से रॉ वाटर जो है हमारा रेगुलेट होता है रॉ वाटर चैनल में। रॉ वाटर चैनल को फ्लोटिंग चैम्बर से हम कनेक्ट कराते हैं। फ्लोटिंग चैम्बर में एक फ्लोट लगा होता है और लीवर आर्म की हेल्प से, ठीक, ये क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा या थ्रेड हो जाएगा, से अटैच होता, लीवर आर्म से अटैच होगा। अब जैसे ही वाटर लेवल यहाँ इंक्रीज होगा, फ्लोट हमारा ऊपर उठेगा और यहाँ पर ये काउंटर वेट लगा होता है। और जब फ्लोट ऊपर बढ़ेगा तो क्या ये नीचे को आएगा, और जब ये सिलेंडर जो स्लाइडिंग सिलेंडर है, ये स्लाइडिंग सिलेंडर जैसे ही नीचे आएगा, वाटर लेवल कौन सा वाटर जिसमें कोएगुलेंट मिक्स हो, मीन्स कोएगुलेंट का जो सोल्यूशन होगा, कोएगुलेंट सोल्यूशन, उसका जो एंटर करने का रेट होगा मिक्सिंग बेसिन में ज्यादा हो जाएगा रॉ वाटर चैनल में, यही प्रोसेस टेक होगा। और अगर फ्लोटिंग चैम्बर में वाटर लेवल कम होगा तो क्या होगा, हमारा फ्लोट नीचे रहेगा, फ्लोट नीचे रहेगा तो सिलेंडर हमारा ऊपर उठेगा और ये यहां पर सोल्यूशन को एंटर करने का रेशियो को घटा देगा। तो ये हमारा है एडजस्टेबल वियर टाइप डिवाइसेस। ठीक, आगे देखते हैं। हमने अभी क्या बताया कि कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप बताया फीडिंग, भरना। तो अभी हम फीडिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। फीडिंग में कौन कौन से होता है, ड्राई और वेट फीडिंग होता है, वेट फीडिंग में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, ये सारा डिस्कस किया। अब जो सेकेंड स्टेप है, जो इसे सेकेंड स्टेप से है हमारा कोएगुलेशन प्रोसेस में, वो है मिक्सिंग ऑफ कोएगुलेंट, मीन्स अस्कंदन को या अस्कंदक को मिलाना। अब इसमें किसमें मिलाना, पानी में। आफ्टर एडिंग कोएगुलेंट इन वाटर द नेक्स्ट स्टेप इज टू मिक्स कोएगुलेंट्स थ्रोली इन वाटर सो दैट इट गेट्स फुली डिस्पर्स्ड इन होल वाटर। द मिक्सिंग इज डन बाय मिक्सिंग डिवाइसेस। कोएगुलेंट को ऐड करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो कोएगुलेंट को मिक्स करने का आता है, मिलाना का आता है, ताकि जो हमारा पूरा का पूरा पानी है उसमें समान रूप से यूनिफॉर्मली कोएगुलेंट मिल जाए। इसके लिए क्या करते हैं, मिक्सिंग बेसिन का यूज करते हैं। इन दीज मिक्सिंग बेसिन फर्स्टली द केमिकल्स आर रैपिडली मिक्स्ड फॉर अबाउट 1 मिनट एंड देन द होल मिक्सचर इज जेंटली एगिटेटेड फॉर अबाउट 30 मिनट्स सो दैट दीज कोएगुलेंट्स में रिएक्ट एंड स्टार्ट कोएगुलेशन। पहले क्या करते हैं, जल्दी से इसको 1 से 2 मिनट में मिलाते हैं। मिलाने के बाद इसको एगिटेट करते हैं। एगिटेट का मतलब क्या होता है, इसको जो है उत्तेजित करना। एगिटेट का मतलब बेसिकली होता है उत्तेजित करना या अशांत करना, अशांत। जो वाटर है इसमें कोएगुलेंट को मिक्स किए तो पहले तो आसान ऐसे मिला दिए नॉर्मली, उसके बाद इसको एगिटेट मतलब 20 से 30 मिनट तक इसको जो है डिस्टर्ब किए रहेंगे। एगिटेट करने के लिए एगिटेटर्स का यूज करते हैं। जब डिस्टर्ब किए रहेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारा कोएगुलेंट्स होगा पानी में यूनिफॉर्मली मिल जाएगा और कोएगुलेशन प्रोसेस होने लगेगा। द वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन द मिक्सिंग बेसिन इज कैप्ट बिटवीन 15 to 53 cm/s। जो मिक्सिंग बेसिन है उसमें जो वाटर की फ्लो वेलोसिटी है उसको हम मेंटेन करते हैं 15 to 53 cm/s। बहुत ज़्यादा वेलोसिटी नहीं रखते हैं, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पर सेडिमेंटेशन प्रोसेस होने में टाइम लगेगा और बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा पार्टिकल्स को मिक्सअप करने में। दिस वेलोसिटी इज
नो केस शुड बी लेस देन 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड मोर देन 75 सेंटीमीटर सेकेंड सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो फ्लो वेलोसिटी उसको 15 टू 53 सेंटीमीटर पर सेकेंड के बीच में रखना है और किसी भी केस में वो कम नहीं होना चाहिए 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर सेकेंड, और वो ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए किसी भी केस में 75 पर सेंटीमीटर सेकेंड। क्या होगा अगर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी कम है तो क्या होगा, जो भी फ्लोक्स होगा वो सेटल होने लगेगा, मतलब बिना मिक्सिंग हुए ही पार्टिकल जो फ्लोक्स होगा वो नीचे सेटल होने की कोशिश करेगा। और अगर 75 सेंटीमीटर पर सेकेंड से ज्यादा होगा तो जो भी फ्लोक्स फॉर्म हुआ होगा वो विघटित होना स्टार्ट कर देगा, डिसइंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें ये याद रखना है वेलोसिटी हमारा किसी भी केस में 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से कम नहीं होगा और 75 सेंटीमीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं रखना है, बेटर रहेगा 15 टू 53 के बीच में रखा जाए। ठीक, जो अभी बताइए यहाँ पर वही पॉइंट्स हैं। देयर आर फॉलोइंग मिक्सिंग डिवाइसेस यूज्ड इन टू मिक्स कोएगुलेंट, अस्कंदक को मिलाने के लिए निम्नलिखित मिश्रक डिवाइसेस हैं कौन कौन सी। फर्स्ट है बेफल टाइप बेसिन, बेफल टाइप बेसिन मतलब व्यारोध टंकी मिश्रक। नेक्स्ट है फ्लैश मिक्सचर मींस फ्लैश मिश्रक और डिफ्लेक्टर प्लेट मिक्सचर मींस होता है विक्षेपक प्लेट मिश्रक। अब वन बाय वन देखते हैं, पहले बेफल टाइप बेसिन। बेफल टाइप बेसिन में क्या करते हैं, जो टैंक होता है टैंक की तली में हम डिफ्लेक्ट बैफल वाल बनाते हैं, व्यारोध वाल बना देते हैं सुटेबल इंटरवल पर, ठीक कुछ कुछ दूरी पर। अब इसको व्यारोध वाल बनाने से क्या होगा, जो हमारा पानी यहाँ पर इन कराते हैं, सब कुछ करो इन कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एंटर करेगा, एंटर करने इसको यहाँ तक व्यारोध वाल है, एंटर करेगा, एंटर करने के बाद ऐसे आएगा पानी, फिर ऐसे जाएगा, फिर इसमें, फिर ऐसे, फिर उसके बाद आगे इसे सिमिलरली प्रोसेस बढ़ता जाएगा। इससे क्या होगा, जो फ्लो वेलोसिटी है वो कम रहेगा, मीडियम मतलब मेंटेन रहेगा जिस रेंज में हमें चाहिए, और पानी यहाँ पर क्या डिस्टर्ब रहेगा, जिससे हमारा जो भी कोएगुलेंट होगा वो पानी में मिक्स हो जाएगा। यहाँ से भी देख सकते हैं, ये फिगर है, यहाँ से एन कराएंगे वाटर और व्यारोध वाल बेफल वाल को सुटेबल इंटरवल पर प्रोवाइड करेंगे और वाटर को एंटर कराएंगे, वाटर जिगजैग माइनर में ऐसे फ्लो करेगा जिससे हमारा कोएगुलेंट इसमें मिक्सअप हो जाएगा और आउटलेट के थ्रू वाटर को हम निकाल लेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज देंगे, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। दूसरा होता है फ्लैश मिक्सर। फ्लैश मिक्सर का मतलब होता है, फ्लैश से नेम ही सही क्लियर होता है, फ्लैश मतलब होता है जहां पर हमें जल्दी कुछ करना हो। तो मिक्सर क्या है, मिक्स हमें मिश्रक का काम करता है, तो इसमें क्या होता है, जो कोएगुलेंट होता है जल्दी मिक्स हो जाता है, जल्दी मिक्स हो जाता है फ्लैश मिक्सर में। इसको समझते हैं, यहां पर इनलेट होता है, इनलेट से पानी को एंटर कराएंगे, और ये होता है बैफल वाल। इसको प्रोवाइड करने का क्या रीजन होता है इनलेट पर, अगर डायरेक्टली वाटर यहां पर एंटर करेगा तो क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली वाटर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। इस तरह क्या होता है, बैफल वाल की वजह से पानी पहले नीचे आता है फिर उसके बाद ऊपर जाता है। और यहां पर एक हम प्रोवाइड कर देते हैं फैन, ये क्या है, ये है फैन जो रोटेट करता है विद द हेल्प ऑफ मोटर, ये होता है मोटर, ये मोटर से ये फैन मूव करता है। अब जैसे ही फैन रोटेट करेगा क्या होगा, हमारा जो भी कोएगुलेंट होगा वो मिक्स हो जाएगा पानी के साथ बहुत तेजी से। अब यहां पर वाटर एंटर कर रहा है और यहां से जो होगा ये हमारा होता है केमिकल पाइप मीन्स रसायन, यहां से कोएगुलेंट एंटर करेगा, कोएगुलेंट यहां एंटर करेगा, ये यहां से वाटर आ रहा है। अब यहां पर फैन जब मूव करेगा तो इन दोनों का अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा, जब ये अच्छे से मिक्सअप हो जाएंगे फिर उसके बाद आउटलेट के थ्रू उस वाटर को हम निकाल लेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए भेज देंगे, जो हमारा स्टेप थर्ड होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है डिफ्लेक्टर प्लेट मिक्सर। ठीक, थर्ड वाला हमारा जो मिक्सर है वो है डिफ्लेक्टर प्लेट मिक्सर, विक्षेपक प्लेट
मिश्रक। देखते हैं फिगर को, यहाँ इस फिगर से यहाँ पर इनलेट होता है, इनलेट से वाटर को एंटर कराएंगे, यहाँ पर फिर देखो इनलेट जोन बना दिया गया है ताकि वाटर जो है पहले नीचे जाए उसके बाद ऊपर को फ्लो हो। अब यहाँ पर वाटर फ्लो करने के लिए यहाँ पर वाटर डिस्ट्रीब्यूट हो, ठीक, फैले, इसलिए क्या करते हैं यहाँ पर डिफ्लेक्टर प्लेट लगाते हैं। इन डिफ्लेक्टर प्लेट के साइड से होकर वाटर निकलता है और यहीं पर जहाँ पर वाटर डिफ्लेक्टर प्लेट से होकर बाहर निकलता है यहीं पर लगा देते हैं केमिकल पाइप जहाँ से कोएगुलेंट को एंटर कराते हैं। ये कोएगुलेंट यहाँ पर एंटर करेगा, पानी यहाँ से आएगा। आप देखो यहाँ पर रिवर्स डायरेक्शन हो जा रहा है, यहाँ पर पानी इस डायरेक्शन फ्लो करेगा, केमिकल इस डायरेक्शन में, और यहाँ पर ही दोनों का मिक्सअप होगा और धीरे धीरे ऊपर मिक्सअप होते होते यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा। उसके बाद आउटलेट के थ्रू इसको हम निकाल लेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे भेज देंगे उस वाटर को। तो ये था मिक्सिंग ऑफ कोएगुलेंट, जो हमारा थर्ड स्टेप, फर्स्ट स्टेप था फीडिंग, भरना, फीड का ड्राई और वेट फीडिंग दो तरीके से करते हैं। दूसरा मिक्सिंग, अब मिक्स करा देंगे हमने ये भी देख लिया। और थर्ड प्रोसेस में क्या करेंगे, मिक्सिंग होने के बाद जो थर्ड प्रोसेस होगा उसमें फ्लोकुलेशन होगा। फ्लोकुलेशन मीन्स उड़ीका तैयार करना, उड़ीका तैयार होगा, ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। व्हेन द मिक्सिंग ऑफ कोएगुलेंट इन द वाटर इज कंप्लीटेड द नेक्स्ट ऑपरेशन इज फ्लोकुलेशन। जब कोएगुलेंट का मिक्सिंग हो जाता है, मिस अस्कंदन का मिश्रक तैयार हो जाता है, तो नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो होता है फ्लोकुलेशन, मीन्स फॉर्मेशन ऑफ फ्लोक्स, या जिसे बोलते हैं उड़ीका को तैयार करना। द डिवाइस बाई मीन्स ऑफ व्हिच फ्लोक इज फॉर्म्ड कॉल्ड फ्लोकुलेटर। जिस डिवाइस के थ्रू फ्लोक्स फॉर्म होता है उसको बोलते हैं फ्लोकुलेटर, याद रखना है, जिस डिवाइस से फ्लो फॉर्म होता है उसको फ्लोकुलेटर बोलते हैं। एंड द फिनामिना इज टर्म्ड एज फ्लोकुलेशन, और जिस प्रोसेस से फ्लोक्स फॉर्म होता है उसको बोलते हैं फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेटर एसेंशियली कंसिस्ट ऑफ सर्कुलर टैंक इक्विप्ड विथ पैडल रिवॉल्विंग ऑन ए वर्टिकल शाफ्ट। जो फ्लोकुलेटर होता है वो सर्कुलर टैंक होता है जिसमें एक रिवॉल्विंग पैडल होता है जो कनेक्ट होता है एक वर्टिकल शाफ्ट से। ये हमारा पैडल है, देखो रिवॉल्विंग पैडल है, और किससे कनेक्ट है, एक वर्टिकल शाफ्ट से, जो मूव करता है किससे, मोटर की हेल्प से। द पैडल ऑपरेट एट ए स्लो स्पीड ऑफ 2 to 3 RPM। पैडल का जो रिवोल्यूशन स्पीड होता है, घूमने का जो रेट होता है, वो 2 to 3 RPM रिवोल्यूशन पर मिनट होता है। द वाटर एंटर्स फ्रॉम द इनलेट एंड लीव्स फ्रॉम द आउटलेट। इनलेट से वाटर को एंटर कराएंगे और आउटलेट से वाटर को रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे। द डिटेंशन टाइम फॉर बेस्ट फ्लोकुलेशन वेरीज फ्रॉम 30 to 60 मिनट। फ्लोकुलेशन प्रोसेस के लिए जो डिटेंशन टाइम होता है, रोक काल होता है, वो 30 to 60 मिनट्स के बीच में रहेगा तो ज़्यादा सुटेबल होगा, और यही होता है। ये फ्लोकुलेटर है, ये जो टैंक के फॉर्म में होता है, सर्कुलर टैंक, जिसमें एक वर्टिकल शाफ्ट होता है, वर्टिकल शाफ्ट से पैडल होता है, पैडल क्या फैन टाइप से होता है जो शाफ्ट से कनेक्ट होता है, और जब ये शाफ्ट घूमता है, मोटर चलता है तो शाफ्ट घूमता है, जिससे ये ऐसे रिवॉल्व करता है इस टाइप से। फ्लोकुलेटर में जब फ्लोक्स का फॉर्मेशन हो जाता है तो जो नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा फोर्थ, फोर्थ स्टेप होता है सेटलिंग ऑफ फ्लोक्स। सेटलिंग ऑफ फ्लोक्स, सेटलिंग ऑफ फ्लोक्स मतलब उड़ीका का तली में बैठना, उड़ीका का तली में बैठना। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा, बैठना। जो भी हमारा फ्लोक्स फॉर्म हुआ होगा उसको हमें तली में बैठाना होगा, और ये सबसे लास्ट स्टेप होता है। इसके लिए क्या करते हैं, पानी को सेडिमेंटेशन टैंक में भर देते हैं। सेडिमेंटेशन टैंक में पानी को भरे रहने के बाद जो भी फ्लोक्स होंगे वो क्या होंगे, धीरे धीरे तली में नीचे बैठ जाते हैं। और जो नॉर्मल टाइम होता है डिटेंशन टाइम, वो होता है 2 to 4 आवर। 2 से 4 घंटे के लिए पानी को रोकते हैं तो जो भी हमारा कोलाइडल इम्प्योरिटीज या सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज है वो नीचे तली में बैठ जाते हैं। और जो तली में बैठ जाते हैं वो क्या होता है, वो होता है स्लज।
जिसे बोलते हैं आपंक, आपंक। और इसको स्लज जोन से एक वाल्व होता है जिसको ओपन करेंगे और उसको बाहर निकाल देंगे। स्लज ड्रेनेज वाल्व होता है, वहां से स्लज को बाहर निकाल देते हैं। तो ये कंप्लीट प्रोसेस था कोएगुलेशन का, जिसमें फर्स्ट था फीडिंग भरना, दूसरा मिक्सिंग, तीसरा फ्लोकुलेशन एंड फोर्थ वन सेटलिंग ऑफ फ्लोकुलेशन, सेटलिंग ऑफ फ्लोक्स। आई होप सभी को समझ में आया होगा। आज क्लास में हम यहीं तक डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस